हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथलीट आकाश। माय नेम इज आकाश एंड आई एम एथलीट। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड कुछ। जी हाँ, आज मैं बताऊंगा आपको लोअर एब्डोमिनल की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे कि आप अपनी लोअर एब्डोमिनल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साथ ही साथ वो शेप पा सकते हैं जो कि आप देखते होंगे टीवियों में, हीरोज को देखते होंगे जो जिनके एब्स वी शेप में होते हैं। सो वो शेप आप पा सकते हैं बहुत ईजिली। सो वीडियो में बने रहें और इन एक्सरसाइजेज के बारे में जान लें। सो आप भी बना सकते हैं वैसे एब्डोमिनल को, अपने लोअर एब्डोमिनल पार्ट को आप भी वैसा बना सकते हैं, वैसा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको ये बता दूं, अगर आप कोई भी कोर से रिलेटेड वर्क करने जाते हैं या आप अपने कोई से भी एब्डोमिनल से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको प्लैंक करना बहुत जरूरी है। प्लैंक एक वार्म अप एक्सरसाइज है आपकी कोर के लिए एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज भी है ये, जो कि आपके पूरे कोर को स्ट्रेंथन करती है या आपके पूरे एब्डोमिनल मसल, पूरे कोर के पार्ट्स को ट्रेन करती है। इसलिए इसे बेस्ट माना जाता है एंड ये वार्म अप के लिए बहुत बेस्ट है। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा वार्म अप। सो अब मैं आपको बताऊंगा आपकी लोअर एब्डोमिनल के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको लेट जाना है एंड आपकी एक पैर को अप कर लेना है, एक पैर को बैंड रह देना है, हाफ बैंड रह देना है, और जो पैर अप है उसके अपोजिट हैंड को अप करना है एंड देन ये पोजिशन एंड रिलैक्स नीचे। हाथों को जमीन पे नहीं लगने देना। सो फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट के लिए, आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया के लिए, आपके लोअर एब्डोमिनल शेप के लिए। सो अब मैं बताने वाला हूँ आपको सेकंड एक्सरसाइज, और वो भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज। इसको आप करें एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपके लोअर एब्डोमिनल को ग्रो करने में, आपके लोअर एब्डोमिनल को वी शेप बनाने में। सेकेंड, आपको नॉर्मली लेट जाना है एंड आपके दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करके ऐसे रखना है एंड हल्का सा आप होना है। अब ज्यादा आप क्यों होना, इतना आप होके आपको अपनी बॉडी को होल्ड करना है कुछ सेकेंड्स, 10 seconds डाउन। अब ये मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी लोअर एब्डोमिनल के लिए एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको आपकी लोअर एब्डोमिनल को वी शेप में लाने के लिए। सो मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज ये है, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। आपको नॉर्मली लेट के अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट करना है एंड अप इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत स्लो स्लो पैर को अप करना है और बहुत स्लो स्लो नीचे करना है, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना। उससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज जर्क हो जाएगी और इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाएगी। सो स्लोली स्लोली अप अप। ये थी थर्ड एक्सरसाइज, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये आपके लोअर एब्डोमिनल के स्ट्रेंथन करने के लिए एंड उसको शेप में लाने के लिए। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं फोर्थ एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज, और ये थोड़ी सी हार्ड हो सकती है इन तीनों एक्सरसाइजेस से। आपको इस पोजीशन में आना है, बॉडी को अपने पैरों को बेंड करना है हल्का सा, हैंड अप एंड देन ये होल्ड होल्ड। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना है, जितना ज्यादा हो सके आप अपनी बॉडी को बैलेंस करें। फोर्थ एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, आपकी लोअर एब्डोमिनल को शेप में लाने के लिए और आपकी लोअर एब्डोमिनल को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो फिफ्थ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आपको
एंड ये जो फिफ्थ एक्सरसाइज है, इन चारों एक्सरसाइज से थोड़ी सी टफ हो सकती है। नॉर्मली पहले आपको अपने बैंड ऐसे पोजीशन में आना है एंड देन आपके लेग्स को स्ट्रेट करना है एंड इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। इस पोजीशन में बस आपको होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के। आप उसको 3-4 सेट लगा सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी लोअर एब्डोमिनल के लिए, आपकी लोअर एब्डोमिनल को शेप में लाने के लिए। होल्ड, ये थी टॉप 5 एक्सरसाइज आपके लोअर एब्डोमिनल के को स्ट्रेंथन करने के लिए और आपके लोअर एब्डोमिनल को शेप में लाने के लिए। सो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा। अगर मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।